हेलो फिफ्थ क्लास, दिस इज योर मैथ सब्जेक्ट चिल्ड्रन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज ऑफ मैथ 4.B। एज यू कैन सी दिस इज योर मैथमेटिक्स बुक, ओपन इट नाउ। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज लेट अस सी सम डिविजिबिलिटी रूल्स। फर्स्ट आप देखेंगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ द डिजिट इज इन द वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय टू। ओके, अगर वंस प्लेस पर जो डिजिट होगी वो टू से डिवाइड होगी तो इट मीन्स वह नंबर भी टू से डिवाइड होगा। ओके, नाउ सी सेकेंड, हमें फोर से डिविजिबल बाय देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इफ़ द नंबर फॉर्मड बाय द डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय फोर। सो अगर नंबर गिवन नंबर में टेंस एंड वंस प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो फोर से डिवाइड होती हैं पूरी पूरी तरह से, सो इट मीन्स वह नंबर भी फोर से डिवाइड होगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट देखेंगे, एट से डिविजिबिलिटी हमें देखनी है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन द हंड्रेड टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय एट। सो हमें गिवन नंबर की टेंस हंड्रेड एंड वंस प्लेस की डिजिट को देखना होगा, अगर वेट एट से डिवाइड होती हैं तो इट मीन्स वह नंबर भी हमारा एट से डिविजिबल है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, डिविजिबल बाय थ्री, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ द सम ऑफ एट डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री। ओके, मीन्स उन जो हमारे गिवन नंबर होगा उनकी डिजिट्स को हम प्लस करेंगे, सो जो हमारा आंसर आएगा अगर वो थ्री से डिविजिबल है तो इट मीन्स वह नंबर भी हमारा थ्री से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं 513, सो यहाँ पर 513 को हम प्लस करेंगे सो नाइन आएगा, सो नाइन जो है वो थ्री से डिवाइड होता है, सो इट मीन्स यह नंबर भी हमारा थ्री से डिवाइड होगा। ओके, नाउ सी फाइव पॉइंट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय नाइन इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय नाइन। जैसे हमने थ्री का देखा था बेटा, ऐसे ही हमें नाइन का देखना है, डिजिट्स को प्लस करेंगे अगर वो नाइन से डिवाइड होती हैं तो इट मीन्स वह नंबर भी नाइन से डिवाइड होगा। नाउ सिक्स पॉइंट आप देखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव, सो फाइव के लिए आप क्या देखेंगे बेटा, उसके वंस प्लेस पर 540 होगा। इट्स वेरी सिंपल, जैसे यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं आप, 235, 1835, 59,614। सो इन थ्री नंबर्स में जो वंस प्लेस है बेटा वो या तो ज़ीरो है या फाइव है, इट मीन्स ये तीनों नंबर हमारे फाइव से डिविजिबल हैं। ओके, नाउ सी सेवन पॉइंट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टेन, तो इसके लिए क्या होगा बेटा, वंस प्लेस पर जीरो होना चाहिए। ओके, नाउ सी एट पॉइंट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय सेवन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट इन द वंस प्लेस, जो वंस प्लेस पर होगा उसको हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन जो अदर नंबर्स होंगे वंस प्लेस को छोड़कर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो मल्टीप्लाई किया हमने टू से वंस प्लेस को, देन अगर वो नंबर हमारा सेवन से डिविजिबल होगा इट मीन्स वह नंबर भी हमारा सेवन से डिवाइड है। ओके, नाउ सी द एग्जांपल, आप एग्जांपल देखेंगे, 3248 है, सो इसमें वंस प्लेस पर एट है, सो एट को हमने टू से मल्टीप्लाई किया सो 16। नाउ 16 को जो हमारा अदर नंबर रह गया बेटा 324, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो हमारा आ जाएगा 308। सो 308 जो है वो सेवन से डिवाइड है, इट मीन्स हमारा जो नंबर है 3248, सो यह नंबर भी सेवन से डिविजिबल है। ओके, नाउ सी नाइन पॉइंट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, सो 11 के लिए आप क्या देखेंगे बेटा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन द ओड एंड द इवन प्लेसेस इज इक्वल टू जीरो और डिविजिबल बाय 11, मीन्स हमारे जो नंबर दे रखा होगा उसके हमें ओड प्लेस प्लस करने हैं एंड इवन प्लेसेस प्लस करने हैं, और उनको सब्ट्रैक्ट कर उनको हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, सो जो हमारा डिफरेंस आएगा बेटा अगर वो ज़ीरो होगा या 11 से डिविजिबल होगा सो इट मीन्स वह नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड है। एग्जांपल आप देखेंगे 93,808। ओके, सो डिजिट्स इन ओड प्लेसेस आर कौन कौन से हैं, 988, एंड इनको हम सम करेंगे सो हमारा 25 आएगा। ओके, नाउ इवन प्लेसेस को हम प्लस करते हैं सो 3 एंड 0, सो 3 हमारा आ रहा है। नाउ डिफरेंस फाइंड करेंगे हम ओड प्लेसेस का एंड इवन प्लेसेस का, सो 25 माइनस 3 इज 22, सो 22 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। नाउ सी 10 पॉइंट,
अ नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स इफ इट इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री। सो अगर हमें ये देखना है कि कोई नंबर हमारा सिक्स से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, टू एंड थ्री की जो कंडीशंस पड़ी थी बेटा हमने वो दोनों अप्लाई होनी चाहिए। सेम आप बी पार्ट देखेंगे, ट्वेल्व से जो नंबर डिवाइड होगा उसके लिए हम क्या देखेंगे, थ्री एंड फोर से जो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी वो, इट मीन्स वह नंबर हमारा ट्वेल्व से डिवाइड हो रहा है। सेम आप फिफ्टीन का देखेंगे, सो फिफ्टीन के लिए थ्री एंड फाइव को देखेंगे। ओके नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.B। ए पार्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय सेवन द लार्जेस्ट रिमाइंडर दैट कैन बी लेफ्ट। ओके सो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आप किसी नंबर को सेवन से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो सबसे छोटा को सबसे बड़ा कौन सा होगा। सो यहाँ पर सेवन, सिक्स, फाइव एंड टेन है। सो सिक्स से हमारा ज़्यादा रिमाइंडर तो आएगा नहीं, अगर सेवन होगा तो इट मीन्स वो डिवाइड हो रहा है। ओके सो सिक्स हमारा आ जाएगा लार्जेस्ट रिमाइंडर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ द डिजिट इन द डैश प्लेस इज डिविजिबल बाय टू। सो इट मीन्स वंस प्लेस हम देखते हैं टू से डिविजिबल होने के लिए। ओके सो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
तो ए पार्ट आप देखेंगे बेटा 133। तो फर्स्टली हम ये देखते हैं कि 7 के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। सो इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट इन द वन प्लेस एंड द रेस्ट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ओके, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं 133 में। सो वन प्लेस पर इसके 3 हैं, सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया इज 6। और ओके नाउ 13 में से 6 को हम माइनस करेंगे सो 7। सो 7 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर 133 इज डिविजिबल बाय 7। नाउ सी बी पार्ट 504। सो 504 में भी सेम कंडीशन, वन प्लेस पर 4 है, सो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। नाउ जो अदर नंबर हमारे रह गया 50 में से 8 माइनस करेंगे सो 42। सो 42 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर 504 इज डिविजिबल बाय 7। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे 654। सो वन प्लेस पर 4 है, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8। नाउ अदर नंबर इज 65, सो 65 माइनस 8 इज 57। सो 57 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन योर बुक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। सो इसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी बेटा, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सो ए पार्ट आप देखेंगे 8108। सो फर्स्टली हम ये जो डिजिट्स हैं इनको प्लस करेंगे सो हमारा आ जाएगा 17। सो 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर 8108 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 72432। सो इनकी डिजिट्स को प्लस करेंगे सो 18 आएगा। नाउ 18 इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन योर बुक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। सो 11 के लिए हम क्या देखते हैं बेटा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन द ओड एंड इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11। ओके, सो ए पार्ट आप देखेंगे 3663। सो फर्स्टली हम ओड प्लेसेस पर कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे, 6 एंड 3। ओके नाउ सम करेंगे इनका सो 6 प्लस 3 इज 9। नाउ इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं हमारे, 3 एंड 6। नाउ इनको हम प्लस करेंगे सो 9। सो डिफरेंस हम फाइंड करेंगे 9 माइनस 9 इज 0, सो विच इज डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर 3663 इज डिविजिबल बाय 11। ओके नाउ सी बी पार्ट 84924। सो डिजिट इन ऑन ओड प्लेसेस कौन कौन से हैं हमारे ओड प्लेसेस पर, 7 9 8। और सो सम करेंगे इनका 7 प्लस 9 प्लस 8 इज 24। नाउ इवन प्लेस पर कौन कौन से नंबर है, 2 एंड 4, सो प्लस करेंगे 2 प्लस 4 इज 6। नाउ डिफरेंस फाइंड करेंगे 24 माइनस 6 इज 18, सो 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन योर बुक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12। सो 12 के लिए हम क्या देखते हैं बेटा, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो। ओके सो फर्स्टली हम 3 से देखेंगे, सो यहाँ पर हमारे पास ए पार्ट आप देखेंगे 1632 है। सो 3 से डिवाइड होने के लिए हम क्या देखेंगे, डिजिट का सम करेंगे, सम करने पर हमारा 12 आया। सो 12 3 से डिवाइड होता है, यस, सो इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नाउ अब 4 से देखेंगे, सो 4 से देखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, लास्ट की जो टू डिजिट्स होती हैं अगर वो 4 से डिवाइड होती हैं कम्प्लीटली, सो इट मीन्स हमारा ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। सो यहाँ 32 है लास्ट टू डिजिट, सो ये 32 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। सो 1632 इज डिविजिबल बाय 12। ओके नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व बी सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, योर बुक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 15। सो 15 के लिए हम किन किन नंबर्स को देखेंगे, 3 एंड 5 को देखेंगे। सो 3 से हम डिविजिबल देखने के लिए क्या करेंगे, जो डिजिट्स होंगी उनको सम कर देंगे, प्लस कर देंगे उनका। ओके सो ए पार्ट आप देखेंगे 46155, सो इनकी डिजिट्स को प्लस करेंगे सो 21 हमारा आया। सो 21 इज डिविजिबल बाय 3। ओके नाउ 5 से हम देखेंगे जो गिवन डिजिट है, गिवन नंबर है बेटा उसका जो वन प्लेस पर क्या है, 5 है।
मीन्स फाइव, यह नंबर भी फाइव से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स 46,155 इज डिविजिबल बाय 15. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व बी सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, योर बुक रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 3. तो इन दिस क्वेश्चन आपको 3 से डिवाइड करने के लिए देखना है इसमें, और स्टार पर वैल्यू पुट करनी है कि हमारा यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड डिजिट एट स्टार प्लेस बी एक्स. ओके, एक्स हमने पुट कर दिया, तो 3 इससे डिवाइड होने के लिए हम क्या देखते हैं, जो डिजिट्स हैं उनका सम देखेंगे. तो 5 प्लस 3 प्लस एक्स हम मान लेंगे स्टार के प्लेस पर, एंड देन प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो 16 प्लस एक्स आ गया हमारा. बिकॉज नंबर इज डिविजिबल बाई 3, सो द मिसिंग डिजिट इज 2. बिकॉज 16 है हमारा, 16 में हम क्या प्लस करें कि वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाए, तो 2 हमारा आ जाएगा, मीन्स 16 प्लस 2 इज 18. ओके, तो विच नंबर इज डिविजिबल बाई 3. ओके, नाउ हमारा स्टार पे कौन सी वैल्यू आ गई बेटा, 2. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व बी सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 10, सी इन योर बुक प्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिविजिबल बाय 11. तो यहाँ पर हमें देखना है कि 11 से हमारा नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पर हमें स्टार में वैल्यू पुट करनी होगी. तो फर्स्टली ए पार्ट आप देखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड डिजिट इन द स्टार प्लेस बी एक्स, हमने एक्स मान लिया है. तो ओड प्लेसेस से हमारे कौन कौन से नंबर है, 1, 2 एंड एक्स, बिकॉज स्टार के प्लेस पर हमने एक्स पुट किया है, सो इनको प्लस करेंगे, सो 3 प्लस एक्स हमारा आ जाएगा. नाउ द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं, 7, 3 एंड 4, नाउ प्लस करेंगे सो 14. नाउ अब हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, सो 14 माइनस 3 प्लस एक्स, सो 14 माइनस 3 माइनस एक्स हमारा हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 14 माइनस 3 इज 11, देन माइनस एक्स. सो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है बेटा. तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा, सो कौन सा हम स्मॉलेस्ट डिजिट पुट करें, सो 11 माइनस 0 हम करेंगे तो 11 हमारा आएगा. इट मीन्स ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 11 होगा, सो एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की यहाँ पर, 0. ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट बी सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सीन योर बुक विदाउट एक्चुअल डिविजन डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वेदर द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर. ओके, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करे बिना आपको फाइंड करना है कि क्या ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं. ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमने यही पढ़ा है बेटा अकॉर्डिंग टू रूल. तो ए पार्ट आप देखेंगे, 1,55,216 को 4 से हमें डिवाइड देखना है कि ये डिविजिबल है या नहीं. सो 4 के लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी कि जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो 4 से डिवाइड होने चाहिए. इट मीन्स वह नंबर भी 4 से डिवाइड होगा. सो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं, 16 है. ओके, सो इट मीन्स 16 4 से डिवाइड होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारा ये नंबर 1,65,216 इज डिविजिबल बाय 4. ओके, नाउ बी पार्ट आप देखेंगे बेटा, हमें देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं. सो 3 के लिए कौन सी कंडीशन है, हम डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे, जो उनका सम आएगा वो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा. बट यहाँ पर हमारा सम करने पर क्या आ रहा है, 26 आ रहा है. सो 26 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now student, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you, students.